इसमें हम मौजूद है वासी गांव के तालाब पे। डेढ़ दिन के गणपति का विसर्जन यहाँ पे जारी है। आपको बताना चाहेंगे कि बड़े पैमाने पे यहाँ पे गणपति भक्त विसर्जन करते हुए नजर आ रहे हैं। वही जगह नवी मुंबई महानगर पालिका व नवी मुंबई पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे व्यवस्था की गई कि किस तरह का माहौल और संतुलन बना रहे। वही जगह किस तरह का माहौल आप देख सकते हैं कि लोग ढोल ताशे के माध्यम से किस तरह से गणपति विसर्जन करते हुए नजर आ रहे। वही जगह तमाम भक्तों की भीड़ यहाँ पे दिख रही है। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल वासी गांव के तालाब पे है। आइए मिलते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि क्या कुछ लोगों का कहना है।
बाप्पा चाल ले आपल्या गावाला चैन पड़े ना आमुच्या मनाला बाप्पा चाल ले आपल्या गावाला चैन पड़े ना आमुच्या मनाला बाप्पा चाल ले आपल्या गावाला चैन पड़े ना आमच्या मनाला
काश आमच्या जीवनी हो केली सुखाची किमया, तुम्ही निघाला सोडूनी हो उजाड झाली दुनिया, मन व्याकुळते तुझला स्मरते, मन व्याकुळते तुझला स्मरते, दुःख सांगू आता कोणाला, बाप्पा चालले आपल्या गावाला, चैन पडे ना आमच्या मनाला, दुलत कालात दुलाल रंगत नेऊया बाप्पाला, माझत गाजत नाचत याओ पुढल्या वर्षाला, बाप्पा चालले आपल्या गावाला, चैन पडे ना आमच्या मनाला। मैं पंजाब से यहाँ आया हूँ और मैं जो फर्स्ट टाइम मैं गणपति महोत्सव उत्सव पे यहाँ पे आया हूँ और मेरा मन इतना प्रसन्न हुआ है और जो धमाल यहाँ हुआ ना, ये पंजाब में तो गणपति मनाते हैं बट इस हिसाब से नहीं होता जो यहाँ पे देखने को मिला, और मन बहुत प्रसन्न हुआ, खूब नाचे गाए, गणपति जी का आशीर्वाद आनंद। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं, मैंने ये फर्स्ट टाइम गणपति देखा है और बहुत अच्छा हमने सेलिब्रेट किया, हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा। अगर आप यहाँ का आसपास का माहौल देखेंगे तो पूरा उल्लास से भरा हुआ है और सब लोगों के हृदय में दिल में इतनी खुशी है जो हमें यहाँ देखने को नहीं मिलती है। सो इट्स वन ऑफ द फेस्टिवल विच गेट्स ऑल ऑफ अस टुगेदर। सो गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। हम सब लोग साथ में मिलके ये अच्छा सा त्यौहार मनाते हैं और बस मतलब ईश्वर को याद करते हैं वापस। पर ये गणेश चतुर्थी का त्यौहार एक ही दिन नहीं मनाया जा सकता है, हर दिन मनाया जा सकता है, हम हर दिन गणेश जी को याद करके ये त्यौहार मना सकते हैं, क्योंकि उन्हें गणपति जी से इतना प्यार है कि वो विश मांगेंगे तो वो हर टाइम पूरी हो जाती है गणपति जी से। तो इसके लिए हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं और गणपति जी को याद करते हैं, गणपति बापा मोरया। ये हमारी 13th गणपति है तो मेरे को ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी मूर्ति है वो इस टाइम ज़्यादा बड़ी हम लाए थे, तो जो ये इस टाइम जो हम लोग ने गणेश चतुर्थी बनाई है इसमें हमने ढोल वोल सब कुछ ऐड किया है, तो उससे जब हम विसर्जन या फिर गणपति हमारे घर लाए दोनों टाइम पे ढोल और हम इतना एंजॉय किया, हमने दोनों टाइम पे इतना नाचे इतना मजे, तो गणपति जो हमारी हम लोग विश मांगते वो पूरी होती है, तो गणपति बप्पा मोरया। गणपति बनाया था, मैंने बहुत मेहनत की थी और हम लोग ये त्यौहार साथ में मिलके बनाते और आज हम लोग ने इतना बड़ा गणपति लाया था, हम बहुत मज़ा किया। मैं पहली बार हूँ पर पहली बार मैंने इतना एंजॉय किया, पर सब लोग ने पहले भी किया करा क्योंकि मैं बॉर्न नहीं हुई थी तभी। गणपति बापा मोरया। तो यहाँ पे जो वातावरण है एकदम इलेक्ट्रीफाइंग है और 13 साल से हम लोग गणपति मना रहे हैं और जब भी गणपति आने वाला रहता है तो हम लोग 2-6 महीने से ये वेट करते हैं कि गणपति आएंगे, खुशी के साथ सब तैयारियां करते हैं, मतलब हर जगह का हम लोग सामान लेके आते हैं ताकि गणपति बहुत अच्छे से रहे, लेकिन जैसे ही 1.5 दिन होता है ख़त्म होता है पता भी नहीं चलता है कि 1.5 दिन कब ख़त्म हो गया, और जब गणपति जाने का टाइम आता है तो मन में ऐसा मन बैठ जाता है, ऐसा लगता है कि गणपति जाए नहीं, सारा साल हम गणपति का त्यौहार मनाते रहे और उनसे बप्पा जो हमारा आराध्य देव है उनसे हम हर दिन कुछ ना कुछ बोले, हमें ऐसा लगता है कि हमारे परिवार के सदस्य बन गए हैं, और जब वो जैसे जाने का टाइम आता है उनका तो हमारा मतलब दिल ही नहीं करता कि उनको छोड़े, लेकिन जो रीति रिवाज है उसके साथ हमको अपना निभाना ही पड़ता है। गणपति बप्पा मोरया। विशेष हम जो उनसे मांगते हैं वो हमारी सब विशेष पूरी होती है, और जैसे कि हम हर साल देखते हैं कि हर साल हमारे बड़े चाचा के यहाँ पे गणपति रखते हैं और हर साल हम लोग इतने मामा के यहाँ पे रखते हैं, हम लोग इतना धूमधाम से डेकोरेशन करते हैं, इतने अच्छे से स्वागत करते हैं गणपति जी का, और इतने मतलब हम लोग खुश रहते हैं, बट जब वो जाते हैं और वो जो 1.5 दिन
तीन दिन, पाँच दिन, दस दिन, ग्यारह दिन जो हमारे साथ में रहते वो एक फैमिली की तरह हो जाते हमारे पास, कि जैसे हम हमारे वो एक घर के सदस्य है और हर साल हम उनको एकदम अच्छे से, हर साल हम लोग नए तरीके से उनके डेकोरेशन करते हैं, हर साल उनके स्वागत का अलग अलग हम लोग ये अरेंज करते हैं कि हम कैसे स्वागत करें, हमारे मनोकामना कैसे पूरी करते हैं। बस यही मैं बोलना चाहता हूँ कि गणपति जी सबकी मनोकामना पूरी करे, सबके कष्ट दूर करे, सुख शांति रखे। गणपति बप्पा मोरिया, मंगलमूर्ति मोरिया। अक्षय गुप्ता। आज डेढ़ दिन का गणपति विसर्जन हो रहा है। अभी तक ये जागृतेश्वर मंदिर पे कम से कम 1000 तक घरगुती गणपति का विसर्जन हुआ है। शांततामय वातावरण में ये विसर्जन हुआ है और महानगर पालिका और पुलिस के तरफ से उचित व्यवस्था की गई है। रोड पे भी बंदोबस्त लगाया गया है ताकि ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मतलब क्या आह्वान करना चाहेंगे साउंड पोल्यूशन? साउंड पोल्यूशन के बारे में हम ये आह्वान करना चाहते हैं, सभी मंडलों ने नॉइज़ पोल्यूशन नहीं करना चाहिए और जो ध्वनि प्रदूषण है वो लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, ध्वनि प्रदूषण नहीं करना चाहिए। सर, आने वाले गणपति विसर्जन के बारे में क्या कहना चाहेंगे लोगों को? एक अवेयर आने वाले गणपति विसर्जन में भी मैं यही कहूँगा कि लोगों ने नॉइज़ पोल्यूशन टालना चाहिए।